अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे आर्किटेक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्हाट इज आर्किटेक्ट, ये क्या चीज होती है, क्या कोर्स है, व्हाट इज वर्क, इसके अंदर वर्क क्या दिया जाता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इसका, उसके बाद क्रेट एरिया क्या होती है उसकी, एलिजिबिलिटी क्या जरूरी है इसके लिए, कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, सिलेबस क्या होता है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तमाम मालूमात हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज आर्किटेक्ट देखते हैं। एन आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु प्लान्स, डिजाइन, आयन और सीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी प्यारे बच्चों, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का जो काम किया जाता है यानी आर्किटेक्ट, यानी मुकम्मल काम इसके जिम्मे होते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स आज हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और ये कौन से इयर्स के बाद आपको करना है, यानी ड्यूरेशन इसका कितना है, उसके बाद साथ साथ ये 10वीं के बाद कोर्स है कि 12वीं के बाद कब कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कब कर सकते हैं, मुकम्मल मालूमात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। आज हम देखते हैं कि नए नए जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बंगलोज बन रहे हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है ऐसे घर हमारे भी होने चाहिए। तो इसके पीछे मुकम्मल जो मेहनत होती है वो आर्किटेक्ट की होती है। हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जॉब मिल सकता है, नए नए डिजाइन बना सकते हैं इसके अंदर, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं ये भी काम आर्किटेक्ट का ही होता है, लैंडस्केप डिजाइन के अलग अलग जो काम होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, मुकम्मल प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट के ही जिम्मे होते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन, उसके बाद हाईवे की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट ही करता है। तो किस तरह से करता है मुकम्मल मालूमात हम देखेंगे। आज हम देखते हैं कि नए नए जो बिल्डिंग बन रहे हैं, नए नए जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए नए जो घरों की तामीर हो रही है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ऐसे घर हमारे भी होने चाहिए। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्किटेक्ट। तो 3 टाइप्स यहाँ पर हम देखेंगे, लैंडस्केप डिजाइन, उसके बाद नेवल आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, और ये कोर्स कब करना है इसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। लैंडस्केप डिजाइन के अंदर बिल्डिंग का काम होता है, प्रोजेक्ट होता है, पार्क होता है, उसके बाद हाउसिंग कॉलोनी होती है, उसके बाद हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं ये जिम्मे होते हैं आर्किटेक्ट के। तो आर्किटेक्ट बेहतरीन डिजाइनर होता है। अगर आपका आर्ट अच्छा हो, अगर आपको आर्ट के अंदर दिलचस्पी हो, और अगर आपका ज्योमेट्री अच्छा हो, तो बिल्कुल ये कोर्स कीजिए। इसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं, अच्छा जॉब मिल सकता है, आप खुद के भी प्रोजेक्ट कर सेल कर सकते हैं, कंपनीज को दे सकते हैं, साथ साथ आप बिल्डर्स को दे सकते हैं। तो बहुत सारे काम आर्किटेक्ट के जिम्मे होते हैं। अब नेवल आर्किटेक्ट, इसके अंदर सी स्ट्रक्चर, ऑयल प्लेटफॉर्म, उसके बाद लोडिंग मैकेनिज्म, ये तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं ये नेवल आर्किटेक्ट के जिम्मे होते हैं। आज हम देखते हैं ऑयल के जो प्रोजेक्ट होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये समंदर के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर किए जाते हैं ये तमाम आर्किटेक्ट कोर्स के अंदर सिखाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको जो चाहे कोर्स वो कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें ग्रेजुएशन किस तरह से करना है, कितने साल का ये कोर्स होता है, तमाम मालूमात इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट के जिम्मे जो होते हैं वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद हाईवे कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं ये स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट के जिम्मे होते हैं। तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन आज देख रहे हैं हम कि नए नए ब्रिज बन रहे हैं, नए नए पुलों की तामीर हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा एक कोर्स है। अब एडमिशन प्रोसेस इसका क्या है, डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, मेरिट लेवल पे एडमिशन हो सकता है, और एंट्रेंस लेवल पे इसका एडमिशन हो सकता है। बाय मैनेजमेंट के जरिए आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं AIEE, उसके बाद MHARCET, IIT, उसके बाद IIT के बाद JEE, नाटा के एक एग्जाम होती है NATA, इन एग्जाम के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको गूगल के अंदर मिलेंगी, वहां से जरूर देखिए। अब हम देखते हैं इसका ड्यूरेशन कितना है। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट जो होता है, ये 5 इयर्स का कोर्स होता है, ये आफ्टर 12 के बाद किया जाता है। साइंस फैकल्टी आपके होना बहुत जरूरी है। अगर आपका काउंसलिंग ऑफ अगर आपका कोर्स मुकम्मल हो जाता है, तो कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपको काउंसलिंग ऑफ
आर्किटेक्ट के अंदर रजिस्टर करना बहुत ही जरूरी है, लाजमी है। इसके अंदर 5 इयर्स का कोर्स होता है। आफ्टर 12 के बाद साइंस के अंदर हम ये कोर्स कर सकते हैं। काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्ट के अंदर आपको रजिस्टर करना है कोर्स मुकम्मल होने के बाद। आइए पहले बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, वहां पर आपके ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड किए गए और करियर गाइडेंस के कई सारे वीडियोस अपलोड किए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। अगर आपका आर्ट बहुत अच्छा है, अगर आपको आर्ट के अंदर दिलचस्पी है, अगर आपका ज्योमेट्री बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल ये कोर्स कीजिए, आपका बहुत फायदा होगा। इस कोर्स के अंदर आप खुद के प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, खुद के प्रोजेक्ट सेल कर सकते हैं, उसके बाद किसी भी फॉरेनर कंपनी में, इंडियन कंपनी में अच्छे से अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखे व्हाट इज आर्किटेक्ट, उसके बाद वर्क क्या दिया जाता है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मालूमात हासिल किए, जॉब के बारे में मुकम्मल मालूमात यहाँ पर हासिल किए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेशकश।